अगर आपके पापा के दाढ़ी नहीं है तो क्या आपके दाढ़ी आएगी या फिर नहीं आएगी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है और उसके लिए आपको कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। सो हाय गाइस, आइए मंदिर, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मेरे पास कमेंट्स करते और मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ और एक दिन में मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसके ऊपर मैं प्रॉपर सॉल्यूशन बताता हूँ। पहले हम कमेंट पढ़ते हैं, इसमें कमेंट में क्या बोल रहा है जो भाई है और फिर उसके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। ये कमेंट में बोल रहा है, भाई मेरे पापा की बियर्ड नहीं है, क्या मेरी बियर्ड आएगी। तो ये जो बोल रहा है उनका मतलब ये है कि भाई मेरे पापा की दाढ़ी नहीं है तो क्या इनके आगे आएगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं इसको कौन सी प्रॉब्लम्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम, यानी जनरेशन बाई प्रॉब्लम चली आती है। जैसे आपके पापा है, अगर उनके पापा के भी दाढ़ी नहीं है तो जाहिर सी बात है आपके पापा को जेनेटिक प्रॉब्लम है, और अगर आपके पापा को नहीं है तो फिर आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं रहती। बहुत से लोग ये सोच के नहीं उगाते दाढ़ी कि यार शायद फादर की नीयत हमारे भी कभी नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं होता। आप ये प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, आपकी बियर्ड आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो लगभग 50% लोगों के चांसेस ऐसे आते हैं वो ट्रीटमेंट्स नहीं करते, उनकी दाढ़ी उनके फादर जैसी रह जाती है, यानी आधी अधूरी दाढ़ी वो पूरी लाइफ निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग दाढ़ी उगाने के लिए ट्राई करते हैं, ट्रीटमेंट्स करते हैं, इसके बावजूद भी नहीं आती, यानी वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखो, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है ना वो आपके जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी आपकी जो फादर की जो जीन्स रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। बट इससे आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इससे आपका फेस का बैक का सर्कुलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट आप इसको ग्रोथ कर सकते हो। तो आप टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा के या फिर आपके फेस का बैक का सर्कुलेशन को बढ़ा के आप आपकी दाढ़ी को उगा सकते हो। तो उसके लिए आपको ईवीएम 400 विटामिन ए कैप्सूल यूज करना चाहिए। इस कैप्सूल को आप खाओगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल बढ़ेगा, और इस कैप्सूल को अगर आप लगाओगे तो आपका फेस का बैक का सर्कुलेशन तेज होगा। यानी आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, साथ में आपको वर्कआउट करना, अच्छी डाइट लेना जिसमें कि विटामिन प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो, और आपको फालतू के काम नहीं करना है, और आपकी आपकी जो लाइफ का रूटीन है वो आपको सेट करके चलना है, भाई मुझे ये करना है, यानी कुछ भी आपको गलत नहीं करना, सब आपको हेल्दी करना है। ट्रीटमेंट में आप ईवीएम 400 यूज़ कर सकते हैं। एक कैप्सूल आपको खाना है रात को, खाना खाने के बाद पानी के साथ आपको पूरा निगलना है, और एक कैप्सूल आपको काट के आपकी दाढ़ी पर लगाना है। 1 से 2 महीने में आपकी दाढ़ी के नए बाल आने लग जाएंगे और आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होने लग जाएगी। बट बात ये रहती कि ये जो आपकी दाढ़ी आती है वो टेम्परेली आती है, यानी परमानेंट नहीं आती। तो उसके लिए आपको कंटिन्यू ट्रीटमेंट्स करना पड़ेगा जब तक आप आपकी दाढ़ी को ग्रूम करके रखना चाहते हो, लॉन्ग करके रखना चाहते हो, या फिर आप उसको उगा के रखना चाहते हो। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन आप पा सकते हैं। जो भी मेरे वीडियोस देखता है, अगर उसको पास वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसके पास अगर कोई कमेंट है कि यार मैं ये कमेंट मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन आपको एक वीडियो में दूंगा जिसके ऊपर, जैसे कि आज मैंने ये वीडियो बनाया, इसे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, उसी टाइप से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।